क्या सोच के तूने ये सब कुछ किया? क्या सोच के तूने आहान को उस औरत के साथ काम करने के लिए मजबूर किया जिसने उसका बाप छीन लिया, जिसने उसका हंसता खेलता बचपन छीन लिया? क्यों? तू तो आहान से प्यार करती है ना, फिर क्यों उस औरत का साथ दे रही है जो उसकी दुश्मन है? आप जानती है ये सच नहीं है, आप झूठ बोल रही, तो नौटंकी क्यों कर रही है आप? पलट के जवाब दे रही, बदतमीज। आहान, तू इस लड़की की तरफदारी कर रहे है? पता है इसने हम सबको धोखा दिया है, ये धोखे से उस औरत को तेरी जिंदगी में वापस लाना चाहती थी, इसने हम सब से छुपाया है। मुझसे नहीं छुपाया था, आई न्यू इट। इश्की ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। रिया, आई नो तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, इस फैमिली की बहुत चिंता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं चाहता बाहर वाले इन्वॉल्व हो इसमें। मेरे घर में आके कोई तमाशा करे, मेरी बीवी के साथ कोई बदतमीजी करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। इसलिए फाइन, आज आपको क्या हो गया दादी? बचपन से तो आपने मुझे सिखाया था कि औरतों पे हाथ नहीं उठाते, फिर आप अपनी कही हुई बात कैसे भूल गए आज? अगली बार इश्की पे हाथ उठाने की गलती मत करना प्लीज। मतलब इश्की ने जो कुछ किया वो सब तेरी नजर में सही है? कि धोखे से उस औरत को हम सबकी जिंदगी में वापस लाना चाहती है, ये सही है? तो इसमें गलत क्या है? मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती थी और इश्की ने मेरी मदद की, तो क्या गलत कर दिया इसने? क्या मेरा अपने बच्चों के ऊपर कोई हक नहीं? बस इसलिए कि इश्की ने वो किया जो आप नहीं चाहती थी, तो ये गलत हो गई। इसने एक माँ को अपने बच्चे से मिलाने के लिए झूठ बोला, तो ये मुजरिम हो गई। अगर झूठ बोलना इतना ही बड़ा गुना है तो मम्मी जी आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि सारी जिंदगी तो आपने सिर्फ झूठ बोला। बकवास बंद कर, दफा हो जाए यहां से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां हमारे घर में पैर रखने की? निकल यहां से। आज तो नहीं जाऊंगी मम्मी जी, आज मैं आपका सच अपने बच्चों को बता के रहूंगी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चली जा यहां से, मेरे बच्चे और मेरी जिंदगी को बख्श दो। क्यों बार बार आ जाती है इस घर में, सब खराब करती है? बच्चा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इससे कहिए चली जाए यहाँ से। दादी अब जाइए यहाँ से। बेटा मेरी बात तो सुन ले, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगी मैं चला जाऊंगा। भैया आपने प्रॉमिस किया था कि आप माँ की बात सुनेंगे। नॉट नाउ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर जाइए और आराम कीजिए। सोनू
सोनू आन आन तुझे सब पता था? वही तो, एक बार इश्की ने किया होता तो समझ में आता। उसे नहीं पता कि उस औरत ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन ये तो सब जानता है। इसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था, फिर भी ये इश्की का साथ दे रहा है। मम्मी जी संभालिए अपने आप को, इससे तो आपकी तबीयत और खराब हो जानी है। कोई तबीयत खराब नहीं होगी, मुझे इससे बात करनी है, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। दादी प्लीज, बाद में बात करते हैं हम इस बारे में। आप अभी अपने कमरे में जाइए। उठिए माँ, प्लीज चलिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।